दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। बौद्ध अनुयायियों सहित ग्रामीणों ने बुधवार को धर्मगुरु दलाई लामा के समर्थन में रिकांगपियो में एक विशाल शांति रैली निकाली। रैली में जिला भर से आए बौद्ध अनुयायियों, लामा, जोमो सहित महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। रैली को रोशन नेगी, भगत सिंह किन्नर सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान उपायुक्त किन्नौर के माध्यम से प्रधानमंत्री व प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। आज जो शांति पद यात्रा निकाला गया, ये पूरे किन्नौर के बौद्धों द्वारा निकाला गया। इसमें कोई बहुत सी संस्थाएं जुड़ी, इसमें मुख्य रूप से चार संस्थाएं जुड़ी है। किन्नौर महाबोधि सोसाइटी, रिकांगपियो, ये किन्नौर जिला स्तर का हमारा बहुत पुरानी संस्था है। उसके बाद चुस्कलिंग बौद्ध सेवा आश्रम, ये पुरानी संस्था है, किन्नौर के बौद्ध समाज की सेवा के लिए बड़ी संस्था है। उसके बाद हंगरंग रिंचन बौद्ध संस्कृत धरोहर संस्था, नाको में ये बेस्ड है ये, और ये तीन संस्थाएं मुख्य रूप से। फिर बाद में हंगरंग से चांगू अलग होने के कारण चांगू की संस्था है पल्पुथल्लम छेगन सोसाइटी चांगू। इन चार संस्थाओं के सहयोग से आज का यह आयोजन हुआ। संयोजन का काम मैंने किया था, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, किन्नौर के जितने भी बौद्ध धर्म की संस्थाएं, सारी संस्थाओं का हमारा सहयोग मिला है। नाम निकलना बहुत ज़्यादा नाम नहीं निकल सकते हैं, और ख़ास करके किन्नौर के जितने भी मुख्य लामा लोग हैं, वज्राचार्य बोलते हैं, धुरी लामा, उन सबका सहयोग हमें मिला है। और किन्नौर भर के सारे धुरी लामा आज की इस यात्रा में आए थे, हमने इसका आयोजन किया। आयोजन करने का मुख्य मकसद ये था कि परम पावन जी को किन्नौर से बहुत ज़्यादा स्नेह है। इसका कारण ये है कि रजिमतम्बा जी उनके शेर मेसे जी हैं, फिर सुन्नम के निगे लामा रमेशे जी हैं, तंदिन गलसन जी, ये परम पावन जी के 20 गुरुओं में से मुख्य ये दो गुरु किन्नौर के रहे हैं, तो इसलिए किन्नौर से उनका विशेष स्नेह है। तो हम सबका दायित्व तो बनता है कि इस जो एक प्रचार हो रहा है जिसमें ये असफल प्रचार है, इस प्रकार से हिमाचल रत्न उनको दिया जाए, ताकि हम हिमाचल के लोगों को और गम गौर बना सकते, क्योंकि परम पावन जी शांति के लिए नॉर्थ ईस्ट प्रास मिला है, वो हिमाचल में रहते हैं, हम सब बड़े गौरवान्वित हैं। इसलिए हिमाचल सरकार तुरंत हम सबके दुख को दूर करने के लिए हिमाचल रत्न से उनको सम्मान करें। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट।